Top 20 News is brought to you by Aura Fine Jewelry in association with Symbiosis Center for Skill Development. नमस्कार, स्वागत है आपका NBCN News पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। मणिपुर में हिंसा को लेकर बुधवार को राजधानी इम्फाल में महिला प्रदर्शनकारियों ने मशाल रैली निकाली। उन्होंने इस दौरान राज्य में बढ़ रही पिछले साल से हिंसा के विरोध में सूबे के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के सरकारी आवास की ओर भी मार्च निकाला। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। बुधवार को यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बैठक हुई, लेकिन अभी तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला नहीं सुलझ पाया है। बैठक के बाद सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि आधा रास्ता तय हो गया है और आधा बाकी है। घरेलू शेयर बाजार को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। आज गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी बाजार नुकसान की राह पर है। शुरुआती कारोबार में दोनों प्रमुख सूचकांक 0.50% से ज्यादा के नुकसान में हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपनी यात्रा के पांचवें दिन असम के शिवसागर से गुरुवार को शुरू हुई और असम में प्रवेश कर गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 14 जनवरी को मणिपुर के थौबल से यात्रा शुरू की थी। सचिन तेंदुलकर ने डीप फेक वीडियो मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। मुंबई के साइबर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोप है कि फर्जी वीडियो में सचिन तेंदुलकर को एक गेम को प्रमोट करते हुए दिखाया गया है। उसमें कहा गया था कि उनकी बेटी भी यह गेम खेलती है। अमेरिकी सेना ने यमन में हुती विद्रोह के कब्जे वाले स्थानों पर मिसाइलें बरसाई है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पश्चिम एशिया में इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के मध्य में यमन के हुती विद्रोहियों पर अमेरिकी सेना की ओर से किया गया यह चौथा ऐसा हमला है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर देश में ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। दिल्ली सहित उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। इस बीच घने कोहरे के कारण देश के तमाम हिस्सों से दिल्ली आने वाली 18 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। इस वजह से यात्रियों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्हें रेलवे स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी कर दिया है। ईडी ने कहा है कि वो 18 जनवरी को ईडी मुख्यालय में पेश हो। मिलिंद देवड़ा के शिवसेना में जाने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अलर्ट। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस की समीक्षा बैठक आज से। ये बैठक प्रभारी रमेश चेथीनला, क्षेत्रीय अध्यक्ष नाना पटोले और प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में होगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज है। इसी बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता और आदित्य ठाकरे के करीबी कहे जाने वाले सूरज चव्हाण पर ईडी की गाज गिरी है। खिचड़ी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सूरज चव्हाण को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर MIDC में एक रासायनिक कारखाने में विस्फोट हो गया, जिससे भीषण आग लग गई है। इस हादसे में 5 लोग घायल है। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आम्बेडकर ने भी राम मंदिर कार्यक्रम का न्योता ठुकरा दिया। प्रकाश आम्बेडकर ने 22 जनवरी को अयोध्या में नए राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण बुधवार को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे ने दावा किया है कि उन्हें और उनकी विधायक बेटी परिणीति शिंदे को BJP में शामिल होने का न्योता मिला था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस के प्रति निष्ठावान है और अपनी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, लेकिन साइबर ठग अभी से सक्रिय है। साइबर ठग VIP दर्शन से लेकर होटल के अरेंजमेंट सहित फ्री में मोबाइल रिचार्ज करने तक के नाम पर लोगों को झांसा दे रहे हैं, लेकिन ऐसे ठगों पर महाराष्ट्र साइबर सेल की भी नजर है। कांग्रेस के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा के शिवसेना में शामिल होने के बाद अब कांग्रेस के दिग्गज नेता सुशील कुमार शिंदे के भी कांग्रेस छोड़ने की अटकलें तेज हो गई है। कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व CM सुशील कुमार शिंदे ने BJP मंत्री चंद्रकांत पाटिल से मुलाकात की है। अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे T20 में टीम इंडिया ने 2 सुपर ओवर के बाद जीत हासिल की। इस मुकाबले में रोहित शर्मा बल्ले से छाए रहे। उन्होंने शतक के अलावा सुपर ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी की। बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर डायरेक्टर रोहित शेट्टी इन दिनों अपने वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं। इस वेब शो में सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय दमदार एक्शन करते नजर आएंगे। रोहित शेट्टी अजय देवगन के लीड रोल वाली सिंघम अगेन की भी शूटिंग में बिजी है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBCN News। नमस्कार।